चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊंगा, चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मंजिल मिलेगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। माँ सरस्वती को नमन करते हुए हम आगे पढ़ते हैं राजस्थान की लोक देवी, और आज हम पढ़ेंगे कैला देवी। कैला देवी का जो मंदिर है वो करौली जिले में त्रिकुट पर्वत पर है। हाँ दोस्तों, त्रिकुट पर्वत पर एक मंदिर है, एक माता का मंदिर है जो जिसके अंदर कैला देवी विराजमान है। कंफ्यूज मत होना, जो त्रिकुट पहाड़ी है, जो त्रिकुट पहाड़ी है वो जैसलमेर में जिस पर है, जैसलमेर का किला या सोनार किला स्थित है, वो त्रिकुट पहाड़ी है, ये त्रिकुट पर्वत है। इस मंदिर का निर्माण है गोपाल दास ने करवाया। चलते इस माता के मंदिर में, इस माता के मंदिर में दो मूर्तियां हैं। एक है कैला देवी की मूर्ति है और इसी के साथ में चामुंडा माता की मूर्ति है। फिलहाल मैंने कैला देवी की मूर्ति बनाई है। देखो ये जो मूर्ति है इसका जो मुख है वो थोड़ा टेढ़ा है, यूं ऐसे लगता है जैसे कोई किसी से नाराज होकर बैठी हो, रुष्ट होकर बैठी हो। ये कहा जाता है कि इसका एक भक्त था जो दिन रात इसकी आराधना करता था, पूजा करता था, लेकिन किसी कारणों से वो पता नहीं कहाँ चला गया और लौटकर वापस नहीं आया, इसलिए माता रुष्ट हो गई और रूठ कर बैठ गई, इसलिए इसे रूठी देवी के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख टेढ़ा है, थोड़ा मुख टेढ़ा, ऐसे लगता है जैसे रूठी हुई, रूठी देवी। इसी मंदिर के पास में एक नदी बहती है, नदी है कालीसिल नदी। देखो एक नदी और है कालीसिंध, कालीसिंध नहीं है, ये कालीसिल नदी है। और इस मंदिर के सामने थोड़ी दूर पर है, यहां पर छतरियां हैं, वो छतरी है बोरा भगत की छतरी। बोहरा भगत की छतरी ये कहा जाता है कि इस बोहरा भगत की छतरी में तंत्र मंत्र की विद्या से यानी तांत्रिक शक्तियों से मनोरोग दूर किए जाते हैं। तंत्र मंत्र की शक्ति से, तांत्रिक शक्ति से मनोरोग दूर। लेकिन जो भी भक्त माता के दर्शन करने के बाद बिना इस नदी में स्नान किए हुए, कालीसिल नदी में बिना स्नान किए हुए यदि इस भोरे भक्त की छतरी को देखने जाते हैं तो वो अशुभ माना जाता है, या जो भी जो भक्त होता है वो पहले इस कालीसिल नदी में स्नान करता है और स्नान करने के बाद इस भोरे भक्त के जो भोरा भक्त है उसकी छतरी को देखने के लिए जाते हैं, वो शुभ माना जाता है। कैला देवी जो माता है इसे यदुवंशी शासकों की यानी यादवों की कुल देवी ये इसलिए कहा जाता है कि ये जो कैला देवी वो ये वही देवी है जिसने कंस का वध करने के लिए अवतार लिया था। एक तरफ है कैला देवी का जन्म हुआ था, एक बच्ची का जन्म हुआ था, और एक तरफ श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, तो कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान की ही बहन है। और जब कंस ने इसको मारने की कोशिश की तो उसके हाथों से छूटकर एक पर्वत पर जाकर विराजमान हो गई थी, और वो ये पर्वत था त्रिकुट पर्वत है, और इस पर्वत पर ये विराजमान हो गई जिसे कैला देवी के नाम से भी जाना जाता है। ये यदुवंशी शासकों यानी यादवों की कुल देवी
मीणाओं की आराध्य देवी कहलाती है। इस माता का जो मेला है चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है और इस मेले में गुटकर नृत्य किया जाता है। घुटनों के बल बैठे करे गुटकर नृत्य किया जाता है और लांगुरिया गीत गाया जाता है। इस माता के मंदिर में ये पूरी राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध देवी है और इस ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी देवी है जिसमें कोई बलि नहीं दी जाती है, कोई मांस मदिरा का भोग नहीं लगता है। इस माता के मंदिर में ना तो मांस मदिरे का भोग लगता है, न ही बलि दी जाती है। हम इसे पूर्वी राजस्थान की प्रसिद्ध देवी भी कह सकते हैं, पूर्वी राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध देवी। यानी इसके मेले में जो घुटकर नृत्य किया जाता है वो घुटनों के बल पर बैठ के किया जाता है और दंडवत है, कनक दंडवत की जो इसकी मेले की जो है सबसे खासियत है। एक बार दोबारा से देखते हैं, कैला देवी, जो कैला देवी का जो मेल जो कैला देवी का जो मंदिर है वो है करौली में, देखिए कैला देवी का जो मंदिर है वो है करौली में। इस मंदिर का निर्माण करवाया था गोपाल दास ने और एक पहाड़ी एक पर्वत पर करवाया था जिसका नाम था त्रिकुट पर्वत है। मैं पहले भी बता चुका हूँ राजस्थान में एक त्रिकुट पहाड़ी भी है, जैसलमेर के अंदर वो पहाड़ी है ये पर्वत है। त्रिकुट पर्वत पर है कैला देवी का मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर के अंदर जो माता की मूर्ति है उसका मुख टेढ़ा है। ये अपने भक्त से नाराज होकर इसने मुंह फेर लिया था, इसलिए इसे रूठी देवी के नाम से भी कह सकते हैं। इसका मुख थोड़ा टेढ़ा है। ये पूरी राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध देवी है। इसी मंदिर के पास में एक नदी बह रही है जिसका नाम है कालीशील नदी। मंदिर के सामने बोरा भगत की छतरी है जिसमें ये कहा जाता है कि जो भी भक्त इस नदी के अंदर स्नान करके और इसके दर्शन करेगा वो शुभ माना जाता है और स्नान नहीं करेगा वो अशुभ माना जाता है। इस बोरा भगत की छतरी में तंत्र मंत्र की शक्ति से तांत्रिक शक्ति से मनोरोग या शरीर के विकार दूर किए जाते हैं। यह माता जो कैला देवी माता है ये यदुवंशी शासकों यानी यादवों की कुल देवी है और ये मीणाओं की आराध्य देवी है। इस माता का जो मेला है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को बरता है और जिसमें लांगुरिया गीत गाए जाते हैं या लांगुरिया नृत्य किया जाता है और वो घुटनों के बल पर बैठकर नृत्य किया जाता है, इसलिए इसे घुटकर नृत्य भी कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट्स बना सकते हो। अब हम पढ़ते हैं चौथ माता मंदिर। राजस्थान में जो चौथ माता का मंदिर है वो है सवाई माधोपुर में। चौथ का बरवाड़ा ये जो चौथ माता है ये कंजरों की
अब हम पढ़ेंगे चौथ माता। चौथ माता का मंदिर है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। और इस माता को सुहाग की देवी भी कहते हैं। सुहाग की देवी यानी जो विवाहित महिलाएं होती हैं या अविवाहित महिलाएं होती हैं, वो अविवाहित महिलाएं अपने अच्छे पति की कामना के लिए और जो विवाहित महिला होती हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए एक व्रत करती हैं, जिसे हम कहते हैं चौथ माता का व्रत है, इसलिए इसे सुहाग की देवी भी कहते हैं। ये कंजर जाति की कुल देवी है। इस माता का जो मेला है माघ कृष्ण चतुर्थी को बढ़ता है। और इस माघ कृष्ण चतुर्थी को तिल चतुर्थी या संकट चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा वैसे जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है, जिप्सम निकलता है यहाँ भरपूर मात्रा में, लेकिन अभी हम देख रहे हैं चौथ माता का जो मंदिर है वो चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। और इस चौथ माता को सुहाग की देवी भी कहते हैं, कंजरों की कुल देवी भी कहलाती है। और इस माता का जो मेला है वो माघ कृष्ण चतुर्थी जब मैं आपको राजस्थान के त्यौहार पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर ये मेले पढ़ाऊंगा, उसमें आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ट्रिक के साथ बताऊंगा आपको। फिलहाल देखिए इस माता का जो मेला है वो माघ कृष्ण चतुर्थी को बढ़ता है, जिसे हम तिल चतुर्थी या संकट चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे तन्नोट माता। इस माता का जो मंदिर है वो है जैसलमेर में बॉर्डर के पास। देखो इस माता को सेना की देवी अपने जो भारतीय सेना है उस सेना की देवी, बीएसएफ के जवानों की देवी, थार की वैष्णो देवी, रुमाल वाली देवी, भी कहते हैं। देखिए इनके बारे में तथ्य देख लेते हैं। तन्नोट माता जैसलमेर में बॉर्डर के पास में इस माता का मंदिर है। जब भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था सन 1965 में, तो इस माता के मंदिर की में भारतीय सैनिक सो रहे थे, रात को पाकिस्तान की सेना ने मौका देकर और बम फेंक दिए। जब भारतीय सेना जब सुबह उठकर देखी तो उसके चारों तरफ बम भी बम पड़े थे, लेकिन माता के आशीर्वाद से एक भी बम नहीं फटा। आज भी वो बम वैसे की वैसे ही रखे हुए हैं और शीशे के अंदर पैक हैं। जब वहां पर अपने पर्यटक जाते हैं, अपने जो देखने के लिए जो सैलानी जाते हैं, उनको वो बम वैसे की वैसे ही है, वहां पर शीशे के अंदर पैक है। तो उन जवानों की रक्षा की, इसलिए इसे सेना की देवी या बीएसएफ के जवानों की देवी भी कहते हैं। और इसी के विजय के उपलक्ष में यहाँ पर एक विजय स्तंभ भी बना हुआ है, जिसे हम राजस्थान का तीसरा विजय स्तंभ भी कह सकते हैं। यहीं पर ही विजय स्तंभ बना हुआ है। विजय के उपलक्ष में यहां पर विजय स्तंभ बनवाया गया, ठीक है। राजस्थान का जो पहला विजय स्तंभ है वो बयाना दुर्ग भरतपुर में है, और दूसरा जो विजय स्तंभ है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, और तीसरा विजय स्तंभ ये रहा, एक और भी विजय कुंभलगढ़ दुर्ग में भी विजय स्तंभ है, काफी विजय स्तंभ है। ये सैनिकों का विजय स्तंभ है जो जीत के उपलक्ष्य में बनाया गया था।
बात करते हैं थार की वैष्णो देवी, रेगिस्तान के अंदर ये देवी बसी हुई है, इसलिए इसको थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं। और जो भी यहाँ पर सैलानी जाता है वो इस माता के एक पेड़ है और इस पेड़ के चारों तरफ मनोती पूर्ण करने के लिए रुमाल बांधता है। इसलिए इसे रुमाल वाली देवी भी कहते हैं। जो भी कोई दर्शनार्थी जाता है वो मनोती पूर्ण करने के लिए इस पेड़ के चारों तरफ, इस माता के पास में एक पेड़ है, उस पेड़ के चारों तरफ रुमाल बांधता है जिससे कि उसकी जो मन्नत है वो पूरी हो जाए, इसलिए इसको रुमाल वाली देवी भी कहते हैं। थार की वैष्णो देवी, बीएसएफ के जवानों की देवी, सेना की देवी। नोट्स बना सकते हो। पढ़ेंगे राजेश्वरी माता, राजेश्वरी माता। जो राजेश्वरी माता का मंदिर है वो है लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में। ये जाटों की कुल देवी है, देखिए राजेश्वरी माता लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर जिले में है और ये जाटों की कुल देवी है। कभी निराश मत होना, कभी उदास मत होना मेरे दोस्तों, तैयारी करते रहना। हम चलते हैं आगे। जमुआई माता का जो मंदिर है वो रामगढ़ है, जिसको हम जमुआ रामगढ़ कहते हैं, जयपुर में है। ये जो जमुआई माता है ये जयपुर, यानी जयपुर में जो वंश था कछुआ वंश है, तो कछुआ वंश की कुलदेवी है। ये कछुआ वंश की कुलदेवी है जमुआई माता। कछुआ वंश जो श्री राम के पुत्र थे लवकुश के वंशज कछुआ वंश कहलाए। देखो लवकुश के वंशज कछुआ वंश कहलाए। देखो जमुआई माता को अन्नपूर्णा माता या बुढ़वाई माता के नाम से भी जाना जाता है। बुढ़वाई माता, हम बात करते हैं इसके निर्माता की कि ये मंदिर किसने बनवाया और इसका नाम बुढ़वाई माता या अन्नपूर्णा माता क्यों बना। देखो रटो मत किसी भी चीज को, समझो, समझने से हर चीज सफल हो जाती है और ना समझ के आप याद करते हो तो वो असफल होती है। देखो इस माता के मंदिर में जो भी दर्शनार्थी जाते हैं, जो भी भक्त जाते हैं, वो थैली के अंदर अन्न लेके जाते हैं, गेहूं या जो भी अन्न है अन्न लेके जाते हैं और माता को अन्न का भोग लगाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया मेरे दोस्तों अन्नपूर्णा माता। बात करते हैं बुढ़वाई माता की। देखो कछुआ वंश का जो शासक था उसका नाम था दुले राय ने ढूंढाड़ के मीणाओं पर, यानी दोसा के आसपास की मीणाओं पर आक्रमण किया और आक्रमण करते समय वो युद्ध में घायल हो गया और रात को सोई राता कि सोते हुए सपने में उसको एक माता दर्शन दी। उस माता का नाम था बुढ़वाई माता और माता ने कहा कि तू कल सुबह जल्दी उठकर और आक्रमण करना, तू विजयी होगा। और इससे उसका हौसला अफजाई हो गया और सुबह उठकर उसने आक्रमण किया और आक्रमण करके उन मीणाओं पर उसने विजय हासिल कर ली, जिससे प्रभावित होकर दूल्हे राय ने इस मंदिर का निर्माण करवाया, उसी स्थान पर निर्माण करवाया। इसका निर्माता हो गया दूल्हे राय और दूल्हे राय ने अपनी पुत्री, देखो दूल्हे राय का जो विवाह है वो मारुनी के साथ हुआ था। मारुनी, आपने नाम तो सुना ही होगा, ढोला मारू, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है। देखो दूल्हे राय का दूसरा नाम था ढोला और मारुनी का नाम था मारू।
ठीक है, लोग उसे प्यार से इसे ढोला पुकारते थे और मारुनी को मारू के नाम से पुकारते थे। जब इनकी शादी हुई तब ये जो ढोला था केवल 3 वर्ष का था, और जब ये इसके साथ जब फेरे ले रही थी उस समय जो मारुनी थी ये 1.5 वर्ष की थी। और इनका जो विवाह है वो पुष्कर में हुआ था, पुष्कर में। और पुष्कर में क्या है, फूलों की खेती होती है, इसलिए वो तो राजस्थान का पुष्कर हो गया, ठीक है। और इसे जम्वा रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी यहीं पर जैसे पुष्कर में जैसे फूलों की खेती होती है उसी प्रकार यहाँ जम्वा रामगढ़ में भी फूलों की खेती होती है, इसलिए इसको ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं। देखो इस माता के मंदिर में यानी जमुआ रामगढ़ में जो ये जमुआई माता का मंदिर है इसमें ये माता की मूर्ति है, और माता की मूर्ति के पास में एक तरफ तो है गाय और एक तरफ है बछड़ा, एक तरफ तो गाय है और एक तरफ है बछड़ा है। देखिए जमुआई माता का मंदिर जमुआ रामगढ़ जयपुर में है, जमुआ रामगढ़ जयपुर में। देखो जमुआई माता कछवा वंश की कुल देवी है, कछवा वंश वो वंश जे यानी श्री राम के पुत्र लव और कुश के वंशजी कछवा वंश कहलाए, ठीक है। और इसका नाम जो है अन्नपूर्णा माता या बुढ़वाई माता है, अन्न का भोग लगता है इस माता के, इसलिए इसको अन्नपूर्णा माता के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा इसका नाम है बुढ़वाई माता। देखो दूल्हे राय यानी डोले और मारुनी के जो पुत्री पैदा हुई थी उसका नाम इसने माता के आशीर्वाद से बुढ़वाई माता ही बुढ़वाई रखा था। जब दूल्हे राय की शादी हुई तब उसकी उम्र केवल 3 वर्ष थी, और मारुनी के साथ हुई थी, मारुनी की जब शादी हुई इसके साथ तब केवल ये मात्र 1.5 वर्ष की थी। और इन दोनों ने जो फेरे लिए थे वो स्थान था पुष्कर। राजस्थान की एकमात्र ऐसी देवी जिसकी पूजा करते समय औरतें हाथों में मेहंदी नहीं लगाती हैं। हाँ दोस्तों सही सुना, हाथों में मेहंदी नहीं लगाती हैं और घूंघट निकाल के ही इसकी पूजा करती हैं। और देवियों के तो मंदिर में घूंघट उकठा के जाती हैं, हाथों में मेहंदी लगा के जाती हैं, श्रृंगार करके जाती हैं, बनठन के जाती हैं, सोड़ा श्रृंगार करके जाती हैं, लेकिन इस मंदिर में जब औरत प्रवेश करती है तो उसके हाथ में मेहंदी नहीं होती और वो श्रृंगार भी नहीं करती, ठीक है। थोड़ा बहुत श्रृंगार करके जाती है लेकिन मेहंदी नहीं होती हाथ में, और घूंघट निकाल के ही वो पूजा की जाती है, ये इस देवी की विशेषता है। देखो राजस्थान में इस माता के 3 जगह फेमस मंदिर हैं, हम आगे देखेंगे। देखो जो फेमस मंदिर है वो तो है जालौर में, दूसरा जयपुर में, और एक जैसलमेर में है पोकरण में, ठीक है। तो हम देखते हैं ये जो आशापुरा माता है ये नाडोल के चौहानों की कुल देवी है। देखो आशापुरा जो माता है वो नाडोल के चौहानों की कुल देवी है, और हम इसके मंदिर देख लेते हैं। इसका जो सबसे फेमस मंदिर है वो है जालौर में, दूसरा है पोकरण में, जैसलमेर पोकरण जैसलमेर में, और सांबर जयपुर में। देखिए जालौर में जो है वो बिसा जाति रहती है, बिसा जाति की कुल देवी, बिसा जाति की कुल देवी। देखो इस आशापुरा माता को महोदरी माता बड़े उदर वाली माता या आशापूर्ण माता भी कहते हैं। देखो महोदरी महा महा यानी बड़ा, उदर यानी पेट, देखो बड़े उदर यानी बड़े पेट वाली देवी। इस माता का जो पेट है वो थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको बड़े उदर वाली देवी कहते हैं, बड़े पेट।
पेट बड़ा है, पेट बड़ा है, इसलिए इसको बड़े उदर वाली माता भी कहते हैं। आशा पूर्ण करती है ये लोगों की मनोकामना पूर्ण करती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया आशापुरा माता, महोदरी माता, बड़े उदर वाली माता, बड़े पेट वाली माता। देखो सांबर के शासक है लाखन सिंह ने नाडोल के शासक है जैमल पर आक्रमण किया, तो जैमल के 13,000 घोड़े रातों रात खुलकर माता के आशीर्वाद से रातों रात खुलकर लाखन सिंह के पास आ गए और इस युद्ध में लाखन सिंह की विजय हुई। और यहाँ पर लाखन सिंह ने इस माता का मंदिर बनवाया जालौर के अंदर। देखो मैंने एक बात बताई थी कि इस माता के मंदिर में औरत मेहंदी नहीं लगाती है, तो वो जो मेहंदी नहीं लगाती है वो जाति होती है बिस्सा जाति की जो महिलाएं होती हैं वो इस मंदिर में जाते समय या पूजा करते समय हाथों में मेहंदी नहीं लगाती। ये अच्छा क्वेश्चन है, चूक गए आप बार बार, नहीं तो निकल जाता ये प्रश्न आपके हाथ से। बिस्सा जाति की महिलाएं, बिस्सा जाति की महिलाएं पूजा करते समय हाथों में मेहंदी नहीं लगाती और घूंघट निकाल कर पूजा करती हैं, घूंघट निकाल कर पूजा करती हैं। एक बार हम देखते हैं आशापुरा माता, आशापुरा अपनी मनोकामना पूरी करती है, आशा पूरा करती है, इसलिए इसको आशापूर्ण माता या आशापुरा माता भी कहते हैं। इसका पेट बड़ा है इसलिए इसको बड़े उदर वाली माता और महोदरी माता के नाम से भी जाना जाता है। ये नाडोल के चौहानों की कुल देवी है। राजस्थान में इसके तीन फेमस मंदिर हैं, जो सबसे बड़ा फेमस मंदिर है वो जालौर में है। ये बिस्सा जाति की कुल देवी है जालौर में, और दूसरा मंदिर है पोकरण जैसलमेर में, और तीसरा मंदिर है सांबर है जयपुर में। आप नोट्स बना सकते हो।